अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओवरीज को। तो हमारे पास ओवरीज फीमेल गोनेड्स हैं और पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है फीमेल बॉडी में। अगर इनकी एलिकुएशन देखें तो ये ओवेरियन फोसा में प्रेजेंट होती हैं और लेटरल पेल्विक वॉल के अंदर, ठीक है, यानी पेल्विक वॉल के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती हैं। ओवेरियन फोसा में अगर इनके रिलेशंस को देखें तो हमारे पास एंटीरियरली क्या आता है और पोस्टीरियरली क्या आ जाता है। इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो अगर पहले सबसे आगे प्यूबिस है, फाइसिस बोन होती है, उसके बाद हमारे पास ये ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके पीछे वो आ जाता है हमारे पास यूरेटर, वजाइना, और वजाइना से नहीं वजाइना आ जाती है, और उसके पीछे हमारे पास रेक्टम और एनस आ जाएगा, और पीछे सेक्रम और कॉसिक्स आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टम और यूट्रस वगैरह नहीं दिखाया हुआ। अच्छा, अब हमारे पास जो है ओवरीज की जाती हैं, ये हमारे पास ब्लैडर होता है, ब्लैडर के ऊपर जाके यहाँ पे ओवरीज होती हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास कॉमन इलियक आर्टरी है जो कि डिवाइड होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में और इंटरनल इलियक आर्टरी में, और इसके अलावा यहाँ पे एक आके हमारे पास यूरेटर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ये हमारे पास यूरेटर दिखाया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास एक आर्टरी होती है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, तो अगर हम देखें ये हमारे पास ओवरी की मीडियल सरफेस है, तो इसके आगे क्या है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, और इसके पीछे क्या आ जाता है यूरेटर और इंटरनल इलियक आर्टरी या वेसल। तो ये हमारे पास इसके रिलेशंस हैं। तो रिलेशंस में एंटीरियरली क्या है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है यूरेटर प्लस इंटरनल इलियक आर्टरी, और वो डायग्राम आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अब हम पोजीशन देखते हैं ओवरीज की। जिस तरह हमारे पास एक होती है नली पेरस वूमेन और एक होती है मल्टी पेरस वूमेन। नली पेरस वो वाली वूमेन होती है जिसने अभी तक कोई भी जिसकी कोई भी जिसने भी मतलब चाइल्ड कंसीव ना किया हो और ना ही उसकी डिलीवरी वगैरह हुई हो। लेकिन मल्टी पेरस वूमेन वो वाली वूमेन होती है जिसने डिलीवरी की हो या फिर जिसने कंसीव किया हो। तो हमारे पास नली पेरस वूमेन में ओवरीज बिल्कुल यूँ होती हैं कि उसका लॉन्ग एक्सिस होता है, ये लॉन्ग एक्सिस होगा और ये शॉर्ट एक्सिस होगा। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सिस वर्टिकल होता है नली पेरस वूमेन में, जबकि हमारे पास मल्टी पेरस वूमेन में जो लॉन्ग एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यूँ हो जाता है लॉन्ग एक्सिस। और वो उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास ड्यूरिंग डिलीवरी जब लिगामेंट्स होते हैं वो जब उनको ऊपर वो जब खींचे जाते हैं तो उसकी वजह से वो वीक हो जाती है, लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरी का साइज़ यूँ हो जाता है, ओवरी की पोजीशन सॉरी यूँ हो जाती है। तो इन डायग्राम्स में देखें तो ये जो हमारे पास ओवरीज हैं वर्टिकल पोजीशन में है, ये हमारे पास नली पेरस वूमेन में जिन्होंने अभी तक कोई भी डिलीवरी नहीं की, और ये वाली जो है ये मल्टी पेरस वूमेन में जिसकी अब लॉन्ग एक्सिस देखें हॉरिजॉन्टल हो गया इस ओवरी का, और ये लिगामेंट्स हैं जो कि जब डिलीवरी के टाइम ये वीक हो जाते हैं। अब हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में पहले देखेंगे कलर कैसा होता है ओवरीज का यंग गर्ल्स में और आफ्टर प्यूबर्टी। तो यंग गर्ल्स में हमारे पास ग्रेइश पिंक होती है ओवरीज का कलर, और जबकि हमारे पास आफ्टर प्यूबर्टी पिंक टू ग्रे कलर की हो जाती है ओवरीज। ठीक है, अब हमारे पास ओवरीज के दो पोल्स होते हैं, अपर पोल और लोअर पोल, और जो अपर पोल होता है उसको हम ट्यूबल पोल भी कहते हैं और लोअर पोल को हम यूट्राइन पोल भी कहते हैं। ठीक है, और दो बॉर्डर्स होते हैं इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। जो इंटीरियर बॉर्डर होता है इसको हम मीजोवेरियम भी कहते हैं, मीजोवेरियम बॉर्डर, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ये फ्री बॉर्डर होता है, इसको फ्री बॉर्डर भी कहते हैं। और दो सर्फेसिस होती हैं, टू सर्फेसिस, लेटरल सर्फेस एंड मीडियल सर्फेस। ठीक है, तो हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स में हमने कलर देखे, टू पोल्स देखे, टू बॉर्डर्स देखे एंड टू सर्फेसिस। अब हमारे पास रिलेशंस हैं। तो हमारे पास ये जो ओवरीज होती हैं वो पेरिटोनियम से कवर होती हैं एक्सेप्ट एंटीरियर बॉर्डर पे या फिर मीजोवेरियम बॉर्डर पे। ठीक है, एंटीरियर और मीजोवेरियम बॉर्डर को छोड़ के बाकी हर जगह से ओवरीज कवर होती हैं पेरिटोनियम से। इस डायग्राम को पहले अच्छे से समझ लेते हैं।
कि ये हमारे पास ओवरी दिखाई हुई है और ओवरी के इर्द गिर्द अंदर जो ये सेल दिखाए हुए हैं ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम है और जो बाहर वाली सरफेस पे एपिथीलियम है ये हमारे पास स्क्वैमस एपिथीलियम है, ठीक है। और ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है, हर जगह से पेरिटोनियम कवर होगी एक्सेप्ट एट द एंटीरियर बॉर्डर। अब एंटीरियर बॉर्डर पे जो है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक लिगामेंट होगा मेसोफेरियम लिगामेंट, जिसकी वजह से जो है ओवरी कनेक्टेड होगी यूट्रस की वॉल के साथ। अब ये हमारे पास दो लेयर्स दिखाई हुई है यूट्रस की, ये यूट्रस की वॉल दिखाई हुई है ना, तो ये उसकी एंटीरियर लेयर है और ये उसकी पोस्टीरियर लेयर है। और ये जो दिखाई हुई है स्क्वैमस एपिथीलियम जिसने कवर किया हुआ है, ये पैराइटल पेरिटोनियम है, ठीक है, जिसने ओवरी को कवर किया हुआ है। और ये एंटीरियर बॉर्डर है और यहाँ पे मेसोफेरियम से जो है ओवरीज कनेक्ट होंगी यूट्रस की वॉल के साथ। और यहाँ पे अगर देखें तो इसी जगह पे हमारे पास जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम ओवरी की है वो स्क्वैमस एपिथीलियम के साथ कंटिन्यू हो गई है, ये एंटीरियर बॉर्डर पे ही। और ये जो मेसोफेरियम लिगामेंट है इसके ज़रिए से हमारे पास ओवरी के अंदर वेसल्स और नर्व्स पास करती हैं, यहाँ से वेसल्स और नर्व्स एंटर भी होती हैं और लीव भी करती हैं, जैसे ये ओवेरियन आर्टरी अंदर एंटर हो रही है थ्रू मेसोफेरियम। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर फ्री बॉर्डर ये रहा और पोस्टीरियर हमारे एंटीरियर बॉर्डर ये है और पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर ये है हमारे पास, ये इसकी लेटरल साइड है और ये इसकी मीडियल साइड है ओवरी की। अब पेरिटोनियम का एक और फोल्ड देखेंगे, वो है हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, जो कि यहाँ से जिसको हम इनफंडिबो पेल्विक लिगामेंट भी कहते हैं। और ये हमारे पास देखें तो यूटराइन ट्यूब से यूट्राइन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट होता है उसको इनफंडिबुलम कहते हैं, तो ये इनफंडिबुलम ऑफ यूट्राइन ट्यूब से लेके ओवरी के अपर पोल तक जा रहा है, ये ओवरी का अपर पोल है तो यहाँ तक जा रहा है, ये लिगामेंट इसका नाम है। इस ये मतलब पेरिटोनियम ने एक फोल्ड बनाया है जिसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट या फिर इनफंडिबो पेल्विक लिगामेंट। और अगर यूट्रस के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास यूट्रस का लेटरल पार्ट होगा, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का। अब जब हम लिगामेंट्स पढ़ेंगे उसके यूट्रस के, तब हम देखेंगे कि ब्रॉड लिगामेंट कौन सा होता है। तो ये हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है और इसका लेटरल पार्ट है। और यहाँ पे हमारे पास पेरिटोनियम ने एक फोल्ड बनाया है जिसको कहते हैं इनफंडिबो पेल्विक लिगामेंट। और ये यहाँ से हमारे पास इनफंडिबुलम ऑफ यूट्राइन ट्यूब से लेके ओवरी के अपर पोल तक जा रहा है। सो पेरिटोनियम में हमने क्या देखा कि ये हमारे पास रिलेशंस पेरिटोनियम के जो है कवर्स ओवरी जो है पेरिटोनियम से कवर होती है एक्सेप्ट मेसोफेरियम पे जो कि एंटीरियर बॉर्डर होता है। और बाकी फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम देखे तो एक मेसोफेरियम फोल्ड देखा हमने जो कि पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है मेसोफेरियम लिगामेंट, और दूसरा हमने देखा सस्पेंसरी लिगामेंट या फिर इनफंडिबो पेल्विक लिगामेंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो हमारे पास इनफंडिबुलम ऑफ यूट्राइन ट्यूब से लेके अपर पोल ऑफ ओवरी तक जाता है, और ये यूट्रस के ब्रॉड लिगामेंट के लेटरल साइड पे होगा। अब हमारे पास विजरल रिलेशंस है, तो विजरल रिलेशंस देखेंगे हर किसी के साथ। सबसे पहले अपर पोल देखें तो अपर पोल जो है रिलेटेड होता है यूट्राइन ट्यूब से, एक्सटर्नल इलियक वेसल और कभी कभार अपेंडिक्स से। जब हमारे पास अपेंडिक्स अगर पेल्विक पोजीशन में होगा, अगर किसी फीमेल के पेल्विक पोजीशन में होगा अपेंडिक्स, तो उसकी अपर पोल जो है वो अपेंडिक्स से भी रिलेटेड होगी। इसके अलावा फिम्ब्री से और सस्पेंसरी लिगामेंट से, सस्पेंसरी लिगामेंट जिसको हम इनफंडिबो पेल्विक लिगामेंट भी कहते हैं। तो ये डायग्राम है हमारे पास, इसका ये अपर पोल है ओवरी का जो कि रिलेटेड है यूट्राइन ट्यूब से, इसके अलावा फिम्ब्री से रिलेटेड है, सस्पेंसरी लिगामेंट से रिलेटेड है और यहाँ पे एक्सटर्नल इलियक वेसल से भी ये रिलेटेड होता है इसका अपर पोल। अब ये जो दूसरा पोल है इसका, ये लोअर पोल है जो कि नैरो होता है और ये पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड होता है। इसके अलावा ये हमारे पास जो लिगामेंट नज़र आ रहा है ये लिगामेंट ऑफ ओवरी है, तो ये इससे रिलेटेड होता है। यहाँ लिख लेते हैं कि ये पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड होता है और इसके अलावा लिगामेंट ऑफ ओवरी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर किससे रिलेटेड होता है, तो इससे हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर नज़र आ जाएगा इस डायग्राम से। तो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ओवरी का वो हमारे पास ऑब्लिट्रेटेड अम्बिलिकल आर्टरी से रिलेटेड होता है। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा हमारे पास वो होगा एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो हमारे पास ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ ये यूट्रस है, तो ये ओवरी का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस की बैक से अटैच होगा और बीच में एक हाइलस बन जाएगा
इसको कहेंगे हाइलस ऑफ ओवरी। सो एंटीरियर बॉर्डर किससे रिलेटेड है? एंटीरियर बॉर्डर यूट्राइन ट्यूब से रिलेटेड है और ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी से। इसके अलावा वो बैक ऑफ यूट्रस से कनेक्टेड है और बना लेगा हाइलस ऑफ ओवरी। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो फ्री बॉर्डर होता है, ये भी यूट्राइन ट्यूब से रिलेटेड होता है। इसके अलावा ये हमारे पास यूरेटर से भी रिलेटेड होता है। लेटरल सरफेस देखें तो लेटरल सरफेस में हमने पेरिटोनियम देखी थी, तो जो हमारे पास लेटरल सरफेस में पैराइटल पेरिटोनियम आ जाएगी और मीडियल सरफेस भी हमारे पास यूट्राइन ट्यूब से रिलेटेड होगी। अब रिलेशंस को जो है, यूट्राइन ट्यूब हर किसी से रिलेटेड है, हर सरफेस और हर पोल से, एक्सेप्ट लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस में सिर्फ पैराइटल पेरिटोनियम हमने पढ़ी और लोअर पोल से। लोअर पोल और लेटरल सरफेस के अलावा सबसे सबके रिलेशंस में अगर देखें तो यूट्राइन ट्यूब आएगी। आर्टेरियल सप्लाई में हमारे पास ओवेरियन आर्टरी है जो कि सप्लाई करती है। ओवेरियन आर्टरी जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है जो कि हमारे पास रीनल आर्टरी के नीचे जाके ये ब्रांच देती है ओवेरियन आर्टरी। और ओवेरियन आर्टरी ना सिर्फ ओवरी को सप्लाई करती है बल्कि ये हमारे पास यूट्रस की साइड को और यूरेटर को भी सप्लाई करती है। और ओवरी में ये जाएगी, ओवरी के पास ओवेरियन आर्टरी थ्रू मेसोवेरियन जाएगी जो हमने एंटीरियर बॉर्डर पढ़ा है उसका। और वीनस ड्रेनेज अगर वेन देखें तो ओवेरियन वेन ही है जो कि जाके इन्फीरियर वेना कैवा में ओपन हो जाएगी। इसके अलावा नर्व सप्लाई देखें तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है वो T10 यानी थोरेसिक स्पाइनल नर्व 10 एंड थोरेसिक स्पाइनल नर्व 11 से होगी सिंपैथेटिक, जबकि पैरासिंपैथेटिक जो है वो S2 और S4 से नर्व इसकी रूट्स आएंगी। ठीक है, अब फंक्शन देखें तो एक तो ये ओवरीज ओसाइट्स की प्रोडक्शन करती हैं और दूसरा हार्मोन सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन सिक्रीट करेंगी और दूसरा हमारे पास ओसाइट की प्रोडक्शन होगी अप टू 30 ईयर्स ऑफ लाइफ, मतलब फीमेल की 30 ईयर्स तक, जब तक उसका मेनोपॉज नहीं स्टार्ट हो जाता तब तक उसकी ओसाइट्स जो हैं प्रोड्यूस करती हैं ओवरी। दो ओवरीज होती हैं तो हर मंथ कभी राइट वाली एक दफ़ा प्रोड्यूस करेगी और नेक्स्ट टाइम लेफ्ट वाली प्रोड्यूस करेगी, मतलब एक मंथ में एक ही ओवरी जो है ओसाइट प्रोड्यूस करेगी। और फिर जो है हमारे पास ओसाइट्स के ओवरी से रिलीज होने को ओवुलेशन कहते हैं जो कि हमारे पास मेनस्ट्रुअल साइकिल के 28 डेज के अंदर 14th डे को ओवुलेशन होती है अगर 28 डेज का साइकिल होगा, बाकी साइकिल कुछ फीमेल्स में चेंज होता रहता है। सो ये था हमारे पास ओवरी के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।